मजद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज। हम अभी खड़े हैं चंपारण के साथी में और यहाँ आने के बाद पता चला है कि यहीं पे आदित्य देव फिल्म्स बैनर के तले एक शॉर्ट मूवी बनने जा रही है जिसका नाम है रक्स और जिसके प्रोड्यूसर है आसिफ खान जी। हम लोग बात करते हैं इनसे कि रक्स फिल्म के बारे में इनका क्या ख्याल है और ये फिल्म किस स्तर पर बनने वाली है और किन किन खूबसूरत लोकेशन पर बनने वाली है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर आसिफ खान जी से। जी सर नमस्कार, आपका सिटी 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि रक्स फिल्म जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने लोकल आर्टिस्ट है जिनको मौका नहीं मिलता है और काम करने का, कहीं कहीं जाते हैं हम ठगे जाते हैं, मेहनत से लोग पैसा कमाता है कहीं जाकर ठगे जाते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। इसलिए हमने चाहा, हमारी कोशिश है कि इस मूवी को हम खुद प्रोड्यूस करके और इस हमारे लोकल क्षेत्रीय आर्टिस्ट लोगों को मैं मौका दूँ और फिर इस फिल्म को बनाओ और एक समाज को अच्छा संदेश दूँ, यही मेरी उद्देश्य है। इस आपके बातों से लगता है कि ये जो फिल्म बनने वाली ये सामाजिक होगी? जी जी बिल्कुल होगी, समाज को अच्छा संदेश देगी। अब आइए हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक आदित्य गौरव जी से जिन्होंने इस फिल्म को अपने कलमों से संयोजा है। आदित्य गौरव जी आपका सिटी 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, आप बताएंगे अपनी फिल्म के बारे में। जी हमारी जो फिल्म है और बेहद ही अच्छा सामाजिक मुद्दा भी है और अच्छी एक लव स्टोरी भी है और जैसे हमारी फिल्म का टाइटल है रश और रश के यहाँ पे इसका क्लाइमेक्स भी झलकता है इस फिल्म से कि मतलब यंग एज में इंसान अगर जैसे रश करता है लेकिन उसका दायरा जब निगेटिव में चला जाता है तो इंसान गलत कदम उठाता है, उस पर जाकर यह फिल्म है और चीज को आप दिखाने की कोशिश करते हैं। आसिफ खान जी पहले आप बताएं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर करने से पहले आप कला के क्षेत्र में क्या क्या करते? जैसे मैं कला क्षेत्र में बचपन से हूँ और कला में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बचपन से और पार्ट टाइम में कला को मैं छोड़ता नहीं हूँ, जहाँ भी लोग कला करें कला को भी आसन जी हो गया। जी जी बिल्कुल, और अपना बिजनेस भी है और मेरा यही उद्देश्य है कि जैसे लोग मार्केट में ठगे जा रहे थे हमारे बच्चे हमारे समाज के लड़के हो जाते हैं एक्टर लोग हैं जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता और फिल्मों के नाम पर उनको ठगे जाते हैं, पता चलता है बाद में उनको पर्दे के साइड भी कहीं नहीं रखा जाता, उनका पैसा ठग लिया था। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे साथ जो लोकल आर्टिस्ट है उनको मैं इस फिल्म का मौका दूँ और मैं हमेशा ये फिल्म करता रहूँ, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया और अच्छी कदम है ये। हम बात करेंगे आदित्य गौरव जी आपसे, इस फिल्म का ख्याल आपके दिमाग में कैसे है? देखिए एक अच्छी कहानी जो जैसे कि हमने देखा माइंड में रहता है समाज में हम लोग देखते हैं बहुत सारी कहानियां मिले ये माइंड पहले से ही था माइंड तो आसिफ सर मिले और इनको फिल्म बनाने का बहुत अच्छा उनका भी मन था और मैं भी कला क्षेत्र से हूँ तो मेरा भी इंटरेस्ट है तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कहानी बनाई जाए जिसमें एंटरटेनिंग पार्ट भी हो और समाज को देने के लिए कुछ मैसेज भी। हाँ इस फिल्म की कहानी मुझे मिली और मैं प्रोजेक्ट के जिसमें लव स्टोरी भी है और सामाजिक एक इशू भी है, एक ह्यूमन होने के नाते एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए और भी इस फिल्म को बताया जा रहा है तो फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनिंग बनेगी और जरूर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए। इस फिल्म के जो ज्यादातर लोकेशन आप बता सकते हैं होगा? लोकेशन हमारा चंपारण में ही है, चंपारण में मुख्य तौर पर हमारे साथी और नक्सलिया गए थे हमारा और अगल बगल के लोकेशन से ऐसा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन से उनको चूज किया गया था और इसी लोकेशन पर शूट करके हम भी अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया। अब हम बात करते हैं साजिद खान जी और खान साहब जी को सारे लोग खान साहब के नाम से पुकारते हैं और इस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर हमारे साथ हैं, जी आप अपना नाम बताइएगा। आदिल हाशमी। आदिल हाशमी जी आप इस फिल्म से जुड़े हैं पहली बार आप जुड़े तो आपके अंदर
कैसा लग रहा है, कैसा मतलब आप फील कर रहे हैं? अभी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, स्क्रिप्ट बहुत ही बहुत बहुत बेहतरीन है और ये समाज में बहुत अच्छा संदेश देगी, इसलिए मैं इस फिल्म से जुड़ा। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और हर खबर की अपडेट पाओ।